हेलो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का हाफ के जी में आपके पास ऑर्डर आता है तो आप किस तरीके से ऐसे ऑर्डर को पूरा करेंगी, किस साइज का टिन यूज करना है और कैसे इस तरीके से डेकोरेशन मैंने किया है, सारी चीजें बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। 3 इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया है और हाफ के जी के लिए मैंने 1 कप प्रीमिक्स का यूज किया है। अगर कप में ना समझ पाए तो आप 150 ग्राम के करीब आप प्रीमिक्स यूज कर सकते हैं और 1 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के बाद इसकी प्रॉपर आइसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैं क्या क्या चीज़ यूज कर रही हूँ। अभी मैंने इम्बल्सन डाला है, जिसे अरोमा भी कहते हैं, ट्रोपोलाइट का अरोमा यूज किया मैंने। साथ ही मैं मालाज का क्रश यूज कर रही हूँ, मालाज का फिलिंग यूज कर रही हूँ और छोटे छोटे पाइनएप्पल के टुकड़े भी यूज कर रही हूँ। हाइटेड केक है इसलिए थोड़ा सा मोटा लेयर काटना चाहिए और ज़्यादा सोकिंग नहीं करना चाहिए अगर हाइटेड केक आप बना रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादा सोकिंग करने से केक टूटने के चांसेस होते हैं, ले जाने में टूट सकता है, केक बीच से क्रैक हो सकता है। तो अगर आप हाइटेड केक बना रही हैं और छोटा सा केक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रीम भी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, क्रीम परफेक्ट बीट होना चाहिए और ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है इसे। आप देख सकते हैं हमेशा जो नॉर्मल मैं लेयर काटती हूँ केक के, उससे ये थोड़े से लेयर मोटे हैं। हाइटेड केक में इस बात का स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। मैं सबसे पहले लेयर को पानी से सोक करूँगी और पानी से सोक करने के बाद इसके ऊपर मैंने क्रश लगाया है। क्रश के बाद मैं जो ट्रोपोलाइट मिक्स क्रीम है उसे लगाऊंगी। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे मालाज का जो फिलिंग यूज करती हूँ वो मैंने यूज किया है और ये हर एक लेयर में यूज करूँगी। ये पाइनएप्पल केक है और 150 ग्राम प्रीमिक्स मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अच्छी खासी फिलिंग इसमें जाती है, क्रश जाता है, सारा कुछ अगर लेंगे तो आप देख सकते हैं 523 ग्राम के करीब ये अभी ही हो चुका है। इसमें बेस का भी वजन है लेकिन अगर पूरा ऊपर से अभी फाइनलाइजिंग करूंगी तो ये करीब करीब 600 ग्राम तक का होगा। एक पेपर पे मैंने हार्ट का शेप बनाया था और उस हार्ट के शेप के ऊपर मैंने रखा था ओएचपी सीट के ऊपर मैं इस तरीके से वाइट चॉकलेट से हरा रही हूँ। इसी तरीके का डिजाइन मुझे स्क्रीनशॉट में दिया गया था, उसी को देखकर मैं ये बना रही हूँ। स्क्रीनशॉट में वो प्रॉपर नहीं था, थोड़ा सा ऊबर खाबर टाइप का था तो मैं उसी तरीके से डिजाइन देने की कोशिश कर रही थी चॉकलेट से। और 1 से 2 बार चॉकलेट सेट हो जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर फिर से रख रही थी। मोल्ड में मैं चॉकलेट डाल रही हूँ और यहाँ 2M का चॉकलेट मैं यूज कर रही हूँ। 2M के चॉकलेट से आपकी गार्निशिंग अच्छी होती है। आप इस तरीके से टॉपर कुछ भी बनाएंगे, कहीं भी यूज करेंगे, 2M के वाइट चॉकलेट को यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होते हैं और आसानी से डिजाइन बनता है। केक के ऊपर मुझे लिखना था मॉम, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये अल्फाबेट का मोल्ड यूज किया है और मोल्ड जो है उसमें मैंने चॉकलेट डालकर और फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट कर लिया है और इस तरीके से मॉम का लेटर मैंने इसमें से निकाल लिया। किन किन को इस तरीके के चॉकलेट बॉल बनाने में प्रॉब्लम होते हैं, अगर आपके बॉल्स सही से नहीं निकलते हैं तो आप इसी चीज़ को फॉलो करें। एक बार चॉकलेट डालने के बाद आप फ्रिज में सेट कर लीजिए और उसके बाद दूसरी बार उस पे उंगली से फिर से आप चॉकलेट लगा दीजिए, ये प्रॉपर आसानी से इसमें से इस तरीके से निकल जाएगा और आप मनचाहा बॉल बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का छोटा बड़ा सिलिकॉन मोल्ड है तो आप बड़ा छोटा हर एक साइज का बॉल इस तरीके से बना सकते हैं। गोल्डन कलर करके आप गोल्डन भी बॉल बना सकते हैं, तो इसलिए आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इस प्लेट को गर्म कर लिया है और दोनों हाफ सर्कल को जोड़कर मैं पूरा बॉल टाइप का बना दूंगी इस तरीके से। यहाँ पे चॉकलेट की जो गार्निशिंग थी वो बनकर तैयार है। अब मैं फॉन्डेंट का जो यहाँ पे काम करना है वो कर लूँगी। ये इस केक में बटरफ्लाई बना हुआ था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई थोड़ा सा कट किया है और कट करके इसे गोल्डन कलर से कलर करूँगी और गोल्डन कलर से कलर करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा तिरछा करके सेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे गोल्डन डस्ट और इवोपेरेक्स मैं मिक्स कर रही हूँ और उसी से ब्रश की सहायता से सारी तितलियों को मैं कलर कर लूँगी।
हाफ के जी में इस तरीके का टॉल केक बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये हाइटेड होने के कारण और छोटा होने के कारण ऐसा लगता है जब भी आप इसे टर्न टेबल पे रख के आइसिंग करेंगे या कुछ भी डेकोरेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये गिर ना जाए कहीं। और हो सकता है अगर इसे दूर ट्रैवल में ले जाना हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम अगर इस तरीके का अगर आपको ऑर्डर लेना है तो 750 ग्राम से कम में ना लें। गोल्डन कलर लगा दिया है और इस तरीके से कॉपी के बीच में मैं बटरफ्लाई को रख दूंगी ताकि थोड़ा सा तिरछा ये हो जाए सूखने के बाद। फॉन्डेंट का काम और चॉकलेट का काम मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। रात में मैं क्रम कोट करके हमेशा रख देती हूँ केक को और रोज सुबह मैं इसकी फाइनलाइजिंग करती हूँ। रात भर अच्छी तरीके से केक सेट हो जाता है, सारे जो इसमें फ्लेवर है आपस में मिक्स होकर अच्छे एकदम परफेक्ट जो केक होता है वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मैं अक्सर अगर मुझे दूसरे दिन सुबह में केक देना होता है तो मैं रात में क्रम कोट करके रख देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो कलर लगा रही हूँ क्रीम में डालकर वो है स्किन टोन का कलर, और बहुत ही हल्का सा मैंने डाला था, जो स्क्रीनशॉट में था वो भी यही कलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किन टोन वाला कलर यूज किया है। क्रीम लगाने के बाद अक्सर आप अगर स्क्रैपर से काम करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप पैलेट नाइफ से उसमें से जो बबल होते हैं क्रीम के अंदर उससे स्मूथ करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद स्क्रैपर से आप अगर इसे प्लेन कीजिएगा तो उसमें बबल्स नहीं आएंगे, नहीं तो आपके केक में फाइनल स्क्रैपर से जब आप करेंगे तो उसमें होल दिखने लगेंगे। तो हमेशा पैलेट नाइफ का यूज़ करने के बाद ही आप स्क्रैपर का यूज़ कीजिए। और यहाँ पे मेरा जो सारा टॉपर था वो मैंने लगा दिया है। जिस तरीके का डिज़ाइन था वो काफ़ी बड़ा केक था और उसमें ये डिज़ाइन बना हुआ था। ये जो आप मॉम देख रहे हैं ऊपर में उसमें सामने लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही छोटा केक होने के कारण मैंने इसे सामने से नहीं लगाया और ऊपर इस तरीके से रख दिया है। ये केक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और अभी तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से। आप भी होम बेकर हैं तो कुछ अलग हटके बनाइए, कुछ अलग सोचिए और अलग करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर आएंगे तो आप बहुत अच्छे से मन से काम कर सकती हैं। कभी भी आप केक बना रहे हो तो अगर नॉर्मल केक है तो उसका प्राइस आप जैसे रखते हैं उस तरीके से रखें, लेकिन अगर आप डिजाइनर केक बना रहे हो तो उसमें लगे चीज़ों का भी कॉस्ट जोड़कर और कस्टमर को बताएं, और साथ ही आपकी जो मेहनत इसमें लगी है उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है।